आगे बढ़ेंगे कानपुर से खबर, जहां सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सपा विधायक इरफान सोलंकी के करीबी सपा नेत्री नूरी शौकत के पिता और दो हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जाजमऊ स्थित प्लॉट में आगजनी के मामले में गिरफ्तारी की गई और कोर्ट ने दोनों को एक दिन की पुलिस रिमांड पर भी भेज दिया है। आगजनी में शामिल 10 अन्य आरोपियों के नाम सामने आए हैं। पुलिस का दावा है कि आगजनी के समय विधायक और उसके भाई के साथ नूरी शौकत के पिता भी मौजूद थे। अब देखिए दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगजनी के मामले में रिमांड पर भेजा गया है, कोर्ट ने एक दिन की रिमांड पर भेजा है। वहीं अब इरफान के जो करीबी हैं नूरी शौकत, उन पर भी एक्शन की तैयारी है। वही बुलंदशहर के खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पैर में गोली लगने से बदमाश घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देर रात अग्रवाल फाटक के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी, इस दौरान दीपक नाम का बदमाश वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने जब उसे रुकने के लिए कहा तो उसने फायरिंग शुरू कर दी। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली उसके पैर में लग गई। आरोपी दीपक पर रेप समेत 3 मुकदमे दर्ज हैं, कई दिनों से फरार चल रहा था। बुलंदशहर से तस्वीरें भी सामने आई हैं। आरोपी के पैर में गोली लगी जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। फायरिंग कर पुलिस पर यह शख्स भाग रहा था। नगर में आज पुलिस टीम अपने नियमित गश्त और चेकिंग पे लगी हुई थी, जिस पे कुछ ही देर पहले अकबाल कट पे एक व्यक्ति को आता हुआ देख करके पुलिस ने उसको चेकिंग के लिए जब रोका, रोकने पे उसने पुलिस को ऊपर फायर कर दिया, जिस पे जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी है। वही पीलीभीत में सड़क पर घूमते टाइगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो को सैलानियों ने उस वक्त बनाया जब टाइगर अचानक से सड़क पर आ गया। 15 सेकंड का ये वीडियो पीलीभीत टाइगर रिजर्व का है, जब से सैलानियों के लिए टाइगर रिजर्व को खोला गया। ऐसी कई तस्वीरें अब तक सामने आ चुकी है। ऐसे वीडियो को देखने के बाद कई लोग टाइगर रिजर्व घूमने भी जा रहे हैं। देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर टाइगर का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीलीभीत में टाइगर दिखा है और इस वीडियो को देखने के बाद लोग टाइगर रिजर्व का रुख कर रहे हैं, जहां पर जो पर्यटक हैं, सैलानी हैं, वो टाइगर को देखने के लिए वहां पहुंच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि योगी आदित्यनाथ देंगे। बलिदान दिवस पर काकोरी आज मुख्यमंत्री पहुंचेंगे। सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम होगा। काकोरी में कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर योगी आदित्यनाथ रहेंगे। दिग्विजय नाथ पार्क में बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम होगा। देश के सबसे बड़े ड्रोन शो में योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। यूपी के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह भी शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, सुबह 10:30 बजे काकोरी में कार्यक्रम होना है। 2 दिन के गोरखपुर के दौरे पर है मुख्यमंत्री। दिग्विजयनाथ पार्क में बलिदान दिवस पर भव्य कार्यक्रम होगा। सबसे बड़े ड्रोन शो में आज मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रहेंगे। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।